किसी भी साइज में किस तरीके से ओठ वाला जुराब बनाएंगे आज का वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आप बेबी के लिए टीनेज के के लड़के लिए और वुमेन के लिए ये जुराब बना सके इसका लुक और फिनिशिंग आप देख सकते हैं इसका डिजाइन चेंज करके भी आप बना सकते हैं देखिए ये बीच में भी डिजाइन बनकर आ रहा है और साइड साइड का डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है आप चाहे तो साइड साइड का डिजाइन चेंज करके भी बना सकते हैं मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सके ऐसी हेतु तो से मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ दिपैंड चैनल में अगर दीपा दीपेडिंग चैनल में अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा इसमें नंबर का पला का सलाई और धागा में यूज कर रही और इसका ऊपर में पचास फंदे डाल रही हूँ साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज्यादा गरा सकते हैं किन साइज के लिए कितनी फंदे रखना है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सके अब जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है अब देखिए फंदे डालने के बाद इसका सीधी साइड से इसका ऊपर बीनते हैं सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है।, है और इजी तरीके से बनाएंगे और ये सिर्फ आप दो घंटे अंदर अंदर बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सारी फंदे आपको सिर्फ सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से अब देखिए इसका दूसरी साइड से अब देखिए फॉर्स फंदा बिना बिना ताकि पीछे और सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते है बनानी है अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं का लास्ट में आ चुकी हूँ ये आपको दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है अब देखिए कितनी बनानी है ये मैं गिनकर दिखा रही हूँ देखिए एक दो तीन इस तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है इधर और इधर हम चौबीस चौबीस फंदे रखेंगे और बीस अब देखिए यहाँ से आपको डिजाइन स्टार्ट करनी है डिजाइन में बोर्डर डिजाइन पांच फंदे सीधी बीन बनानी है एक दो तीन चार और ये पांच ये बॉर्डर का है और देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे बीनने के बाद धागा आपने और एक फंदा उल्टा इस तरीके से बॉर्डर बीनने के बाद एक फंदा उल्टा बिनने है यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है सात फंदे का एक दो तीन इस तरीके से तीन फंदे सीधी बिना बिनने हैं फिर एक फंदा बिना बिना फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन इस तरीके से ये पैटर्न है इसका सात फंदे का पैटर्न डिजाइन अब देखिए धागा आपने और एक फंदा पैटर्न पूरी करने के बाद उल्टा बिना धागे पीछे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात दो चौदह फंदे का ये डिजाइन है अब देखिए यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है मतलब टोटल फंदे को आपको तीन भाग में लगानी है दोनों साइड में हम चौदह चौदह फंदे रखेंगे इधर चौदह और इधर चौदह बीच में बाईस फंदे इस तरीके से पचास फंदे को तीन भाग में लगानी है अब देखिए बीच का बाईस फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ और ये बाईस फंदे पूरी करने के बाद फिर चौदह फंदे में हम डिजाइन डालेंगे जिस तरीके से दूसरी साइड में डिजाइन डाले थे उसी तरीके से डिजाइन डालनी है अब देखिए बीच में बाईस फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे इधर चौदह और इधर चौदह फंदे में आपको डिजाइन डालनी है अब देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह इस तरीके से चौदह फंदे में फिर डिजाइन डालेंगे से डिजाइन दो तीन फिर एक फंदा बिना बिना फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन ये सात फंदे का डिजाइन है डिजाइन पूरी होने के बाद फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे धागे पीछे बोर्डर का पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच इस तरीके से आपको बनानी है अब देखिए इसका दूसरी साइड से दूसरी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच ये बोर्डर का फंदे में दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे अब देखिए ये सीधी साइड से उल्टा है इसलिए ब्याक साइड से सीधी बिनाई बिनेंगे धागा आपने और तीन फंदा उल्टा बिनाई एक दो तीन सात फंदे का डिजाइन में तीन फंदा उल्टा बीच का जो बिना बिना है उसको आपको उल्टी साइड से उल्टी बिनाई बिन लेना है अब देखिए बाकी का तीन फंदे में उल्टी बिनाई एक दो तीन इस तरीके से फिर धागे पीछे लेकर जाना है ये सीधी साइड से उल्टी वाला है इसलिए बैक साइड से सीधी बिनाई ये देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह चौदह फंदे का डिजाइन पूरा हो चुका है फिर यहाँ से यहाँ तक आपको बाईस फंदे में उल्टी बिना बेनना है अब देखिए धागा अपनी और बाईस और फंदे उल्टा इसी तरीके से बाईस फंदे उल्टी बिनने के बाद फिर चौदह फंदे का डिजाइन शुरू होता है देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह चौदह फंदे में फिर डिजाइन बनाया नहीं है ताकि पीछे एक फंदे सीधी लागा आपने और तीन फंदा उल्टा एक दो तीन अब देखिए ये सीधी साइड से जो बिना बिना है इसको भी आपको उल्टा बिना है और फिर तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, इस तरीके से ताकि पीछे ये सीधी साइड से उल्टा वाला है इसलिए बैक साइड से सीधी बिना अब देखिए यहां से पांच फंदे का बोर्डर डिजाइन शुरू होता है इसमें सीधी एक दो तीन चार पांच इस तरीके से ये पांच फंदे में दोनों साइड से सीधी सीधी बिनने हैं सीधी और उल्टी दोनों साइड से और बार आपको इसी तरीके से बिनने हैं बैक साइड में अब देखिए सीधी साइड से डिजाइन बनाते हुए बिन्ने अब देखिए ये डिजाइन का एक रो है मतलब ये चार रो का डिजाइन है रो में हम ये बॉर्डर का पांच फंदे सीधी सीधी बनाएंगे इस तरीके से तागा आपने और ये एक फंदा उल्टा मतलब डिजाइन शुरू करने के आगे आपको एक फंदा उल्टा बीनना है इस तरीके से पांच फंदे बिनने के बाद एक फंदा उल्टा सात फंदे का डिजाइन अब यहाँ से शुरू होता है अब देखिए किस तरीके से बीनना है ये बॉर्डर और एक उल्टा बीनने के बाद दो फंदे सीधी एक और ये दो ये डिजाइन शुरू हो रहा है यहाँ से चारों का डिजाइन है ये रो वन है अब देखिए इसमें एक में से तीन बनाएंगे एक लपेट लेना है फिर एक बार बना लेना है मतलब दो फंदे बीनने के बाद एक में से तीन बार बनानी है तीसरी में अब देखिए दो सीधी तीसरी में एक में से तीन और इसको बिना बिना उतार लेना है अब देखिए फिर इधर भी इसी तरीके से एक में से तीन बनाएंगे एक सीधी लपेट लेना है फिर एक बार इसी तरीके से सीधी बनानी है तो देखिए ये सीधी का दाया और बाएं में आपको एक में से तीन बनानी है फिर दो फंदा सीधा एक और दो इस तरीके से सात फंदे का डिजाइन है ये अब देखिए एक फंदा उल्टा इस तरीके से चौदह फंदे बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से बाईस फंदे शुरू होता है एक दो तीन इसी तरीके से बाईस फंदे सीधी सीधी बनानी है यहाँ तक बाईस फंदे पूरी करनी है सीधी सीधी बीनते हुए फिर इधर इसी तरीके से डिजाइन डालनी है चौदह फंदे में अब देखिए ये बाईस फंदे में मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीन रही हूँ तो देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये बाईस फंदे पूरा हो चुका है अब देखिए इधर चौदह फंदे में डिजाइन डालेंगे जिस तरीके से दूसरी साइड डाले थे उसी तरीके से एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधी फिर एक में से तीन बनाएंगे तीसरी वाले में एक सीधी लपेट लेना है फिर एक बार सीधी इस तरीके से बनाइएगा फिर एक फंदे बिना बिना अब देखिए इसमें एक में से तीन बनानी है एक सीधी लपेट लेना है और एक सीधी इस तरीके से एक में से तीन बनानी है दो सीधी बीनने के बाद एक में से तीन एक बिना बिना एक में से तीन इस तरीके से आपको बनानी है फिर दो फंदे सीधी एक और ये दो इस तरीके से सात फंदे का डिजाइन पूरा होता है फिर एक फंदा उल्टा ताकि पीछे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच इस तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए ये पैटर्न का रो वन पूरा हो चुका है पैटर्न का रो टू आपको दिखा रही हूँ बैक साइड से फसफंदा बिना बिना ताकि पीछे ये बॉर्डर का पांच फंदे दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है बॉर्डर का पांच फंदे पूरी होने के बाद अब देखिए ये एक फंदे सीधी आ रहा है इसको भी आपको सीधी सीधे है धागा आप अब देखिए यहाँ से डिजाइन का सात फंदे में दो फंदा उल्टा बीन लेना है अब देखिए इसमें एक में से तीन बनाए थे एक दो तीन इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है एक में से जो तीन बनाए थे वो वाला अब देखिए बीच का एक फंदा उल्टा बिना जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो वाला अब देखिए तीन फंदे फिर बिना बिना मतलब एक में से तीन बनाए थे वो वाला अब देखिए दो फंदा उल्टा इस तरीके से बनाया नहीं है सात फंदे में एक फंदे फिर सीधी अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब बाईस फंदे का डिजाइन आता है इसमें आपको उल्टा बिना बिनना है मतलब सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बाईस फंदे का डिजाइन पूरी करनी है हर बार बैक साइड से इसी तरीके से बीनेंगे धागे पीछे एक फंदा सीधा तागा आपने और दो फंदा उल्टा एक और दो ये एक में से तीन बनाए थे वो वाला है ये आप एक साथ इस तरीके से भी उतार सकते हैं अब देखिए बीस सेंटर का एक फंदा उल्टा जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो वाला अब फिर देखिए एक में से तीन बनाए थे वो वाला बिना बिना अब दो फंदे उल्टे एक और ये दो इस तरीके से सात फंदे का डिजाइन पूरी करनी है फिर सात फंदे का डिजाइन पूरी होने के बाद एक फंदा सीधा पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच ये रो टू बैक साइड हमारा पूरा हो चुका है पैटर्न का अब देखिए सीधी साइड से रो थ्री पैटर्न का शुरू करनी है फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए एक दो तीन चार पांच ये बॉर्डर का फंदे दोनों साइड से सीधी सीधी बनानी है ताकि आपने एक फंदा उल्टा बिनाई अब देखिए ताकि पीछे लेकर जाना है अब देखिए ये जो एक में से तीन बनाए थे ये वाला फंदे आपको आगे लेकर आना है और ये दो फंदे पीछे लेकर जाना है मतलब लेफ्ट निर्णय में दो फंदे और राइट निर्णय में इस तरीके से तीन फंदे निर्णय में लेना है और फिर ट्विस्ट करके आगे लेकर आना है और वापस निर्णय में डालनी है तीनों फंदे और सीधी बिना बेल लेना है एक साथ तीन का एक इस तरीके से अब देखिए फिर एक और ये दो दो फंदे सीधी फिर एक फंदा बिना बिना अब देखिए फिर ये फंदे पीछे लेकर जाना है जो एक में से तीन बनाए थे ये दो फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से और जो हम एक में से तीन बनाए थे इसको आपको लेफ्ट निडल से पीछे लेकर जाना है और फिर वापस दो फंदे लेफ्ट में डालनी है और दो फंदे सीधी इस तरीके से और ये एक साथ तीन फंदे एक साथ तीन का एक तो देखिए इस तरीके से डिजाइन बनानी है ये पैटर्न का तीसरी रो है तीसरी रो में इस तरीके से बनानी है फिर देखिए एक फंदा उल्टा धागे पीछे अब यहाँ से दस फंदे सीधी इस तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए ये पैटर्न थोड़ी थोड़ी नजर आ रहा है इस तरीके से बाईस फंदे आपको सीधी सीधी बनाने के बाद फिर बाकी का चौदह फंदे में डिजाइन डालनी है यहाँ से डिजाइन शुरू होता है एक फंदा उल्टा अब देखिए ये जो केबल डिजाइन डालनी है सात फंदे में अब देखिए ये एक में से तीन बनाए थे ये वाला आपको पीछे लेकर आना है और ये दो फंदे आगे लेकर जाना है और वापस निडर में डालनी है और ये जो एक में से तीन बनाए थे ये आपको एक साथ बना लेना है फिर दो फंदे सीधी, एक और ये दो इस तरीके से बनाएंगे और फिर देखिए एक फंदा आपको बिना बिना उतार लेना है फिर पीछे का फंदे आगे लेकर आना है देखिए इस तरीके से आगे लेकर आना है फिर ये तीन फंदे पीछे लेकर जाना है और वापस निडल में डालनी है और फिर दो फंदे सीधी बिनाई और जो हम एक में से तीन बनाए थे वो वाला फिर एक साथ बना देना है अब देखिए ये पैटर्न का तीसरी रो है धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई धागे पीछे पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार और ये पांच इस तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद अब इसका बैक साइड से बीनते हैं बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक दो तीन चार पांच ये बॉर्डर का फंदे है इसमें इसी तरीके से सीधी बिनने है और ये देखिए फिर ये एक फंदा सीधा बिना धागा आपने और अब यहाँ से आपको सात फंदा उल्टा एक दो तीन और ये जो बिना बिना उतार रहे थे ये वाला फिर उल्टा बिना चार पांच सात इस तरीके से आपको बना लेना है ताके पीछे एक फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है धागा अपनी और बाईस फंदा उल्टा इस तरीके से बनाइएगा बाईस फंदे में सीधी साइड से सी, सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीन कर अब देखिए ये मैं बाईस फंदे पूरी कर चुकी हूँ ताके पीछे अब देखिए चौदह फंदे शुरू होता है एक फंदा सीधा फिर सात फंदा उल्टा एक दो तीन ये जो बिना बिना रहे थे वो वाला चार पांच, फिर पीछे एक फंदा सीधा, पांच फंदे बॉर्डर डिजाइन का है इसमें सीधी ए, दो, तीन, चार पांच इस तरीके से आपको बना लेना है ये इसका बैक साइड है ये चार रो हमारा पूरा हो चुका है अब देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में हम एक में से तीन बनायनी है इसमें एक में से तीन बनाई है इसको बिना बिना उतार लेना है ये रो वन जिस तरीके से बना रहे हैं उसी तरीके से फिर बैक साइड से जिन फंदा सीधा है उसी को सीधी बिनने हैं और बाकी फंदे आपको उल्टी बिनने हैं बाईस फंदे में सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी और ये जो बॉर्डर है बॉर्डर में दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए बैक साइड बनायी है और ये जो बिना बिना उतार रहे थे इसका दाएं और बाएं में एक में से जो तीन बनाए थे दाएं और बाएं में उसको आपको ट्विस्ट करके पीछे लेकर जाना है देखिए दो फंदे का पीछे फिर इधर भी जो ट्विस्ट करके दो फंदे का पीछे लेकर जाना है इस तरीके से तीसरी रो बीन है चौथी रो में जिस तरीके से आम बिंदे आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करनी अब देखिए ये सिर्फ चार रो का डिजाइन है बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीनने हैं ये मैं दो बना चुकी हूँ मतलब इसमें मैं एक दाएं पियर के लिए और एक बाएं पेयर के लिए बनाने का तरीका बता रही हूँ दाएं और बाएं पियर के लिए मैं ये दो बीन रही हूँ साइज का हिसाब से ये काम ज्यादा बीन सकते हैं किन साइज के लिए किस तरीके से आप बनानी है किसी भी साइज में ये औठे वाला जुराक ये दिखाने के लिए ये वीडियो में बना रही हूँ अब देखिए ये ओठे का नीचे का गांठ से देखिए एड़ी तक का आपको लंबाई लेना है एडी का बीचों बीच तक का लंबाई लेकर बनाइएगा आधी एड़ी एक साइड में आधी एडी दूसरी साइड में इस तरीके से बीस सेंटर में आपको नाप लेना है अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो ये हिस्सा कम ज्यादा बनाकर बनाइएगा अब देखिए ऊपर का हिस्सा भी कम ज्यादा बनाया नहीं है ये देखिए पांच सेंटीमीटर ये आ रहा है सेंटीमीटर का तरफ से अब सीधी साइड से देखेंगे तो ये देखिए दो सेंटीमीटर का आ रहा है इस तरीके से इसका लंबाई आप कम ज्यादा बीन कर बनाइएगा ये जो देखिए ऊपर ओठे का लंबाई का नाप लेकर मैं दिखा रही हूँ और ये पूरी बनने के बाद इसका लंबाई नौ इंच तक इस तरीके से आपको बनानी है पूरी ये जुरा बनने के बाद नौ इंच आता है आप चाहे तो खुली लगाना चाहते हैं तो साढ़े नौ इंच तक भी बीन सकते हैं थोड़ा खुला खुला लगाना चाहते हैं तो अब इसी को मैं सेंटीमीटर का तरफ से भी नाप कर दिखा रही हूँ सेंटीमीटर का तरफ से नापेंगे तो ये देखिए हर हरी तेईस सेंटीमीटर तक का आपको बनानी है अब देखिए इसमें मैं पचास फंदे ले रही हूँ ये साढ़े आठ इंच गोलाई के लिए है अगर आप कम ज्यादा गराना चाहते हैं तो फंदे कम ज्यादा गरा सकते हैं अब देखिए इसका लंबाई उन्नीस सेंटीमीटर बना रही हूँ ये मैं मेरा साइज का बना रही हूँ इसी तरीके से कम ज्यादा बीन कर किसी भी साइज में आप बना सकते हैं किसी भी साइज का धागा और नेडल लेकर अब देखिए इसमें हम दाएं और बाएं पैर का किस तरीके से औठे निकालेंगे देखिए एक सीधी साइड से स्टार्ट करने हैं और एक बैक साइड से स्टार्ट करके दाएं और बाएं पेयर का बनानी है अब देखिए शुरू में हम सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे और बाद में बिना बिना यहाँ से, तो से आपको उन्नीस फंदे सीधी सीधी बनानी है मतलब बिना डिजाइन का इसी तरीके से सीधी सीधी बीन बनानी है अब देखिए बॉर्डर का फंदे सीधी बिनने के बाद यहाँ से आपको डिजाइन का फंदे भी सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से इसमें उन्नीस फंदे का ये ओंठे का हिस्सा निकालनी है साइज का हिसाब से कम ज्यादा आप फंदे निकाल सकते हैं और जो हम पचास फंदे ले रहे थे उसकी जगह भी आप फंदे कम ज्यादा गरा सकते हैं अब देखिए किस तरीके से पचास फंदे की जगह कम ज्यादा गरानी है ये फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में ताकि आप आसानी से बना सके किसी भी साइज में अब देखिये इसमें मैं उन्नीस फंदे ले रही हूँ अब देखिये इधर कितनी फंदे ले रही हूँ गिनकर दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह दिन तीस प्लस एक करके के इकतीस फंदे हैं मतलब एक फंदे एक्स्ट्रा रख कर बनाना होता है एक साइड में अब देखिए इसी तरीके से ये मैं बना रही हूँ पलटनी है दूसरी साइड फिर उन्नीस फंदे में आपको सिर्फ बिनना है अब देखिए यहाँ से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है इसमें बैक साइड से उल्टी बिनाई और सीधी साइड से सीधी बिनाई भी बीनते हुए इसका ऊपर आपको दो इंच बीनने हैं साइज का हिसाब से कम ज्यादा बनाइएगा मेरा साइज का हिसाब से ये दो इंच का आ रहा है इसलिए मैं दो इंच इसका लंबाई बीनने वाली हूँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनते हुए ये उन्नीस फंदे का जगह भी आप फंदे कम ज्यादा गरा सकते हैं जो हम पचास फंदे ले रहे थे उसी का फंदे को आपको दो भाग में लगानी है इसी हिसाब से आप फंदे कम ज़्यादा गरा सकते हैं किस साइज़ के लिए कितनी फंदे रख कर बनाएंगे तो ये आसानी से किसी भी साइज में बनकर आता है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप आसानी से बना सके अब देखिए इसी तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीन कर मैं इतनी बीन चुकी हूँ इसका लंबाई बेन आप कर दिखा रही हूँ ये देखिए ये मैं दो इंच का बना रही हूँ ये आप कम ज़्यादा बनाइएगा साइज का हिसाब से और फंदे भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अब देखिए इसका ऊपर में सारी फंदे सुई का ऊपर चढ़ा रही हूँ मतलब ये हिसाब से लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से सुई में चढ़ानी है बाद इधर साइड आपको गांठ लगा देना है इस तरीके से आप चाहे तो इसमें एक दो बार और सिल सकते है मजबूत बनाने के लिए सारी फंदे में एक एक बार इस तरीके से फिर खींचना है अब देखिए इसी तरीके से में एक दो बार और मजबूत बनाने के बाद अभी देखिए ये वाला हिस्सा आप छील सकते हैं इसी धागे से अब देखिए ये वाला हिस्सा सिलने के लिए आपको पलटनी है बैक साइड में और बैक साइड से आपको दोनों साइड का देख रहे हैं ये दोनों साइड का चेन वाला पीछे का चेन लेकर इस तरीके से एक एक चेन लेना है पीछे का और सिल देना है अब देखिए इधर का ये पीछे का एक चेन और इधर साइड का पीछे का एक चेन इस तरीके से लेकर सिलना है सिर्फ दोनों साइड का एक एक चेन सिर्फ आपको लेना है और सील देना है इस तरीके से यहाँ तक सिल लेंगे अब देखिए ये मैं यहाँ तक सिलाई कर चुकी हूँ इधर तक सिलाई करने के बाद इधर साइड फिर एक दो बार नट लगानी है इस तरीके से एक दो बार नट लगाइएगा अब देखिए ये धागा में छोड़ रही हूं अब इसको मजबूत बनाने के लिए इस तरीके से लग करके ये धागा कट कर सकते हैं अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ तो देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इधर का औठे बनाने के लिए फिर आपको धागा लगानी है इस तरीके से ये धागा लगानी है अब देखिए फिर यहाँ से आपको ये धागा लग करते हुए देखिए इस तरीके से लग करते हुए सीधी सीधी बनानी है अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए चौदह फंदे आपको बीनना हैं अब देखिए चौदह फंदे में इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बना चुकी हूँ <esquya> एक दो तीन चार पाँच छ सात सातुन्य चौदह अब देखिये एक दो तीन चार पाँच छ सात सातुन्य चौदह अब देखिए बीच में तीन फंदे रहता है तीन फंदे में देखिए एक फंदे राइट नेडल में दो फंदे लेफ्ट नेडल में और फिर ये राइट नेडल का भी लेफ्ट नेडल में डालनी है और एक साथ बना देना है तीन फंदे तीन का मतलब इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए घटाई करनी है दोनों साइड का एक एक फंदे घटाकर तीन फंदे तीन का एक बनानी है अब देखिए इधर का चौदह फंदे फिर सीधी सीधी बनाएंगे अब देखिए इधर का चौदह फंदे में इस तरीके से सीधी सीधी बना चुकी हूँ अब देखिए इसका बैक साइड से फिर इसी तरीके से इसका दाया और बाया का एक एक फंदे घटानी है तीन फंदे तीन, तीन का एक बीनते हुए बैक साइड से भी अब देखिए किस तरीके से घटाएंगे अब देखिए बैक साइड से तेरह फंदे बीनने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह तेरह फंदे इस तरीके से बेनने हैं तेरह फंदे बेनने के बाद अब देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घटाएंगे अब देखिए ये जो डिजाइन बने हैं ये सीधी तब पीछे का एक फंदे आपको राइट नेडल में लेना है और ये आगे का एक फंदे लेफ्ट नेडल में लेना है और फिर आगे का राइट नीडल का लेफ्ट नीडल में डालनी है और फिर बना देना है तीन फंदे तीन का एक इस तरीके अब देखिए इस तरीके से बिनने सीधी साइड में सीधी डिजाइन बनकर आता है दो डिजाइन बन चुका है एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से और बाकी का फंदे फिर आपको उल्टी बीनाई बिनना है अब देखिए फिर बाकी का फंदे इसी तरीके से उल्टी बीन कर बनानी है बैक साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बीन कर बनानी है और बीस सेंटर में आपको कटाई करनी है तीन फंदे तीन का एक विधि से अब देखिए इसका दाया और बाया का एक एक फंदे हम घटा रहे हैं ये डिजाइन बनाने के लिए अब देखिए इसी तरीके से दाया और बाया का फंदे घटाएंगे अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना अभी हम फिर बारह फंदे बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे बीनने के बाद फिर हम घटाई करेंगे अब देखिए बारह फंदे छोड़ने के बाद बीच में तीन फंदे रहता है इसी तीन फंदे में आपको घटाई करनी है पीछे का एक फंदे राइट निडल में लेकर आना है और ये आगे का दो फंदे लेफ्ट नेडल में फिर राइट नेडल का फंदे भी लेफ्ट नेडल में डालनी है और तीन फंदे एक साथ तीन का एक कटाई करनी है तो देखिए इसी तरीके से हम सीधी साइड से कटाई करेंगे और फिर बाकी का बारह फंदे सीधी सीधी बना लेना है बहुत ही इजी है आप चाहे तो मेरे साथ साथ बिनकर भी बना सकते हैं आपका फैमिली के लिए इस तरीके से ओठे वाला जुराक जरूर बनाइए अगर थोड़ी भी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तो उससे शेयर करना मत भूलिए अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनते हुए मैं पूरी गर चुकी हूँ अब देखिए बैक साइड से फिर इसी तरीके से कटाई करनी है बैक साइड से फिर हम 11 फंदे गिनेंगे 11 फंदे गिनने के बाद बीच सेंटर में कटाई करेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे बीनने के बाद ये सीधी का दाया और बाया का फंदे आपको घटानी है अब देखिए ये घटाने के लिए ये दो फंदे इस तरीके से राइट निर्णय में लेना है डिजाइन और आगे का फंदे और ये आगे का फंदे फिर आपको पीछे लेफ्ट निडल में लेना है फिर राइट निडल का फंदे भी लेफ्ट निडल में डालनी है और बना देना है तीन फंदे तीन का अब देखिए इस तरीके से घटाने से ये आपसे आप फोल्ड होता है देखिए इस तरीके से आपसे आप फोल्ड होता है अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाती हूँ भी इसी तरीके से इसका ऊपर घटाते हुए बनाइएगा इस तरीके से लास्ट में हम तीन फंदे होने तक घटाई करेंगे अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से घटाते हुए इसका ऊपर औंगठे का शेप बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से घटाते हुए आ रही हूँ अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना अब देखिए फिर ये डिजाइन का आगे का फंदे हम राइट नेडल में लेंगे और फिर ये आगे का फंदे लेफ्ट नेडल में फिर आगे का दो फंदे वापस लेफ्ट नेडल में लेना है और बना देना है तीन फंदे तीन का इसी तरीके से बैक साइड से घटाई करेंगे अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर कटाई करनी है अब देखिए ये पीछे का फंदे राइट नीडल में लेना है और आगे का दो फंदे लेफ्ट निडल में फिर आगे का राइट नीडल का फंदे भी लेफ्ट नीडल में डालनी है और बना देना है तीन फंदे तीन का एक इस तरीके से कटाई करनी है अब देखिए ये कटाई हो चुका है अब देखिए ये धागा में कट लगा चुकी हूँ देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है ये हम बाद में सिलाई करेंगे एक पियर का तो हमारा ये बन चुका है दूसरा पियर का बनाने के लिए बैक साइड से आपको बीनना है अब देखिए ये सीधी साइड से बीन कर बनाए थे और अब इसका ऊपर दूसरे पियर का बनाने के लिए सीधी साइड से ना बीनकर बैक साइड से आपको बीनना है अब देखिए किस तरीके से बीनेंगे मतलब देखिए सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए देखिए इसी तरीके से बिनते हैं मैं बिने का लास्ट में आ चुके हूँ तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसका बैक साइड से आपको उन्नीस फंदे निकालना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस उन्नीस फंदे इस तरीके से निकालना है अब देखिए इधर आपको इकतीस फंदे छोड़ना है अब देखिए उन्नीस फंदे सिर्फ आपको बेनना है अब देखिए इकतीस फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह दोनों तीस प्लस एक इकतीस फंदे बाकी हैं पलटनी है दूसरी साइड अब देखिए दूसरी साइड से फिर इधर का सिर्फ उन्नीस फंदे बीनने हैं इधर का इकतीस फंदे छोड़कर इकतीस फंदे में हम फिर घटाई करते हुए बीनेंगे जिस तरीके से दूसरी पेयर का बनाए थे उसी तरीके से फसपंदा बीना बिना यहाँ से फिर सीधी सीधी आपको बनानी है अब देखिए इसी तरीके से उन्नीस फंदे में सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीन कर बनानी है खिये मैं इसी तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर बनाती हूँ यहाँ तक इसी बात को रिपीट करते हुए फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिना अब देखिए इस तरीके से उन्नीस फंदे बिनने के बाद फिर पलटनी है और इसी तरीके से इसका ऊपर देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्र देखिए जिस तरीके से दूसरी पेयर का जितनी बना रहे हैं उतनी इसके ऊपर भी बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सुई का ऊपर चढ़ा रही हूँ तो देखिए इस तरीके से फिर खींचना है और खींचने के बाद इधर साइड लक लग लगानी है तो देखिए इस तरीके से एक दो बार और सिल सकते हैं इसमें और ये भाग आपको सिलना है अब देखिए दूसरी पेयर बनाने के लिए यहाँ से आपको धागा डालनी है फिर ये भी आपको बैक साइड से धागा डालकर बनानी है अब देखिए इस तरीके से यहाँ से आपको धागा लगानी है और चौदह फंदे उल्टी बिना बीन लेना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा धागा लगाते हुए चौदह फंदे चौदह फंदे बेनने के बाद फिर इसका ऊपर कटाई करेंगे जिस तरीके से दूसरी में हम कटाई करते आ रहे थे उसी बात को रिपीट करनी है अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात सात दुनिया चौदह और 20 का तीन फंदे में कटाई करनी है दो फंदे राइट नेडल में एक फंदे लेफ्ट नेडल में फिर वापस राइट नेडल का फंदे भी लेफ्ट नेडल में डालनी है और बना देना है तीन फंदे तीन का एक इस तरीके से देखिए ये सीधी में डिजाइन बनकर आता है दोनों साइड हम चौदह चौदह फंदे रख रहे हैं और दाया और बाया का फंदे हम घटा रहे हैं बीस सेंटर का अब देखिए इसी तरीके से फिर बाकी का फंदे उल्टी बिना बिन्ने हैं ये इसका बैक साइड है बैक साइड से उल्टी बिना और सीधी साइड से सीधी बिनाई और बीस सेंटर में कटाई करते हुए इसका ऊपर बिन्ने हैं अब देखिए मैं ये बैक साइड पूरी कर चुकी हूँ अब फिर इसकी सीधी साइड से सीधी साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना इस पर तेरह फंदे बिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह फंदे बीनने के बाद घटाए ये पीछे का एक फंदे इस तरीके से राइट निर्णय में लेना है और आगे का दो फंदे लेफ्ट निर्णय में फिर वापस नेणय में डालनी है और फिर बना देना है तीन फंदे तीन का एक सीधी साइड से हम इसी तरीके से कटाई करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे जिस तरीके से दूसरी में बनाए थे उसी तरीके से इधर भी हम बना रहे हैं अब देखिए सारी फंदी फिर सीधी सीधी बनानी है अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनना है अब भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाइएगा अब देखिए ये लास्ट का फंदे है इसको भी आपको सीधी बीन देना है तो देखिए इसी तरीके से इसका दाया और बाया का फंदे हम घटाते हुए इसका ऊपर बनाएंगे देखिए इस तरीके से मैं घटाते हुए आ रही हूँ अब फिर देखिए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और आगे का दो फंदे पीछे लेकर जाना है वापस निडल में डालनी है और बना देना है तीन फंदे तीन का एक सीधी साइड से हम इसी तरीके से कटाई करेंगे लास्ट का एक फंदा सीधा सीधी साइड में हर रो में इसी तरीके से कटाई करनी है अब देखिए बैक साइड में फिर ये सीधी का पीछे का फंदे इस तरीके से आगे लेकर जाना है आगे का एक फंदे पीछे लेकर जाना है और फिर बना देना है तीन फंदे तीन का एक इस तरीके से अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इधर साइड में गांठ लगा रही हूँ और ये धागा कट कर रही हूँ तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है अब देखिए सिलाई करनी है इसका ऊपर ये इस तरीके से बनकर आ रहा है इसको सिलाई करने के लिए इस तरीके से बैक साइड पलटनी है और बैक साइड से आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है पीछे का दोनों साइड का एक एक चेन लेकर सिलाई करनी है तो देखिए इस तरीके से सिलाई करिएगा पीछे का चेन लेना है इसको भी पीछे का एक चेन लेकर सिलाई करनी है इसी तरीके से सिलाई करनी है देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको सिलाई करनी है यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये वाला हिस्सा भी इस तरीके से मिलाने है देखिए इस तरीके से इधर का एक डिज़ाइन का पीछे का एक चेन लेना है इस तरीके से और इसको कनेक्ट कर देना है फिर इधर एक पीछे का चेन लेना है इस तरीके से फिर इधर साइड का एक चेन लेना है और सिल देना है इसी तरीके से दोनों साइड का पीछे का चेन सिलते हुए इसका जोड़ाई करनी है अब देखिए ये भाग में जोड़ाई कर चुकी हूँ अब देखिए इस तरीके से जोड़ाई करने के बाद इधर साइड एक दो बार नट लगा देना है तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है अब देखिए इधर पीछे का ये चेन लेना है और इधर का पीछे का एक चेन लेना है और सिल देना है देखिए दोनों साइड का पीछे का चेन लेकर सिलने से सीधी साइड में चेन वाला डिजाइन बनकर आता है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए साढ़े तीन इंच तक सिलना है देखिए और इधर साइड इधर एक दो बार गांठ लगाएंगे मजबूत बनाने के लिए और ये धागा ऊपर की ओर लक लगा सकते हैं और ये धागा आपको कट लगा देना है देखिए इधर साइड सिलाई करने के बाद ये वाला साइड फिर आपको सिलाई करनी है तो देखिए इस तरीके से सिलाई करिएगा ये बीस होल आप कम ज्यादा रख सकते हैं ये पेयर अंदर गराने के लिए है अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड का जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला चेन लेकर सिलाई करनी है तो देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है अब देखिए मैं सिलाई करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ इधर साइड एक दो बार नट लगा देना है आज का ये एक घंटे का अंदर अंदर बनने वाला औठे जुराब का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए प्रसन्न तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट में दीपा नेटिंग चैनल में काफ़ी सारा लेकर आती हूँ अभी तक दीपा नेटिंग चैन में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस करिएगा मिलती हूँ दूसरे नए वीडियो में तब तक के लिए दीपा नेटिंग चैनल धन्यवाद